हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। दोस्तों, मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं। देखो, आज मंडे है, वीक का पहला दिन था, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की शुरुआत अच्छी हुई होगी इस वीक से। स्टॉक्स हमने पिछले फ्राइडे को भी डिस्कस किए थे स्टॉक्स, और कल संडे के दिन भी हमने स्टॉक डिस्कस किए थे जिन्होंने अच्छा पैसा आपको बना के दिया होगा, इंट्राडे जिसने भी किया होगा। और कुछ स्टॉक हमने आज इंट्राडे में भी शेयर किए थे अपने क्लाइंट्स के साथ, तो उसके भी अपडेट मैं अपना जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे अपडेट करूँगा। एक स्टॉक हमने दिया था 300 रुपीज़ पे, तो उसने 321 का हाई बनाया था स्टॉक ने, तो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त था। तो उम्मीद करता हूँ कि वो स्टॉक का नाम मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक हमने क्या शेयर किया था। स्टॉक था दोस्तों पनामा पेट्रोकैम, ये स्टॉक मैंने आपके साथ वीडियो में भी शेयर किया था। पनामा पेट्रोकैम ने 302 पे आज मैंने शेयर किया था, हालांकि आप लोगों के साथ 300 से भी पहले का प्राइस था, तो 302 से 324 इसने हाई लगाया आज का, तो आई गेस आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा इसके अंदर बनाया भी होगा लोगों ने इसके अंदर। तो ये थी पिछले वीक की अपडेट। अब नया वीक स्टार्ट हो गया, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, और आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो फॉर 1 वीक टू 2 वीक। तो स्टॉक आइडिया शेयर करने से पहले एक बार जो 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 ब्रांड एम्बेसडर, उनका दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। दोस्तों, आपके हेल्प से हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, रीजनेबल क्वान्टिटी से ग्रो कर रहे हैं, और आपका प्यार हमेशा, आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों, पहला स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, अतुल ऑटो हमने डिस्कस किया था कभी ये ब्रेकआउट पे, और टारगेट हमारे ये थे, तो आज इसने वो टारगेट हिट कर दिया। 542 का ही था, हमारा टारगेट भी 540 का ही था दोस्तों। तो अतुल ऑटो ने जो इस रेंज से बाहर निकला था, वो सारे फर्स्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था 338 में जब ये ब्रेकआउट आया था इसके अंदर, तब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद स्टॉक 540 का आपको हाई बना चुका है, करीबन 200 रुपये उस लेवल से दे चुका है, और आप वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट रेंज है, यहाँ से स्टॉक देख सकते हो आप 430 से 540 प्लस जा चुका है, तो करीबन 100 रुपये विद टारगेट आपको दे सकता है। अगर आप इसमें होल्ड है तो कुछ क्वांटिटी अपनी डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एटलीस्ट 40-50% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट जो फ्री क्वांटिटी हो पैसा होगा उसको कहीं और दूसरे स्टॉक्स में लगा सकते हो। कौन से स्टॉक्स में लगा सकते हो ये हम डिस्कस करते हैं अभी। पहला स्टॉक दोस्तों लारोस लैब। देखो, मैं हम पहले से भी डिस्कस करते आए हैं लारोस लैब, हमने कभी ये देखो इधर ब्रेकआउट पर डिस्कस किया था, फिर हमने ये बताया था कि ये जो रेंज है यहाँ से बाहर निकलेगा तो और अच्छा लगेगा। अभी स्टॉक वापस से देखो एक लेवल में घूम रहा था, तो आज इसने उठने की कोशिश की है, तो जो 385 का स्टॉप लॉस रख के, अगर तो पहले से होल्ड है आपके पास तो 385 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने स्टॉप लॉस को 378 का रख के या 375 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें पोजीशन को। स्टॉक 391 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद, 391.50 पे ट्रेड हुआ है ये, और शॉर्ट टर्म व्यू से देखो मेन मोटिव क्या है, लोग पूछते हैं शॉर्ट टर्म व्यू से बताओ, एक वीक, दो वीक, तीन वीक का बताओ, तो शॉर्ट टर्म व्यू में ये स्टॉक आपको 400 के टारगेट दे सकता है, 400 के बाद ये 405, 418, 430 और 440 इन टारगेट के लिए ना, इन टारगेट के लिए व्यू रहेगा एक से दो वीक के व्यू से आप लारोस लैब में इन्वेस्टेड रह सकते हो दोस्तों। और जब आप लगे कि आपके पास समय है आप होल्ड कर सकते हो पोजीशन को, तो वीकली चार्ट आप देखिए, वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो एक अच्छा मूवमेंट चल रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लाइन था पहले जो अब सपोर्ट लाइन का काम कर रहा है, सपोर्ट यहीं से लेके जा रहा स्टॉक, तो ये वाली सपोर्ट लाइन आप रखें हमेशा ध्यान में, माइंड में 375 वो लाइन है, और अब अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो फर्दर। ये स्टॉक आपको 485, 530, 600 के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में। तो दो व्यू हमने डिस्कस कर लिया, शॉर्ट टर्म व्यू डिस्कस कर लिया है और लॉन्ग टर्म जो डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ जो स्टॉक आइडियाज़ हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्त। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों गुजरात अंबुजा। आज गुजरात मिनरल्स आपने देखा, जीएमडीसी स्टॉक ने बहुत तगड़ी छलांग लगाई आज के दिन। जिनके पास होल्डिंग होगी स्विंग ट्रेड करके या पोजिशन होल्ड होगा तो वो काफ़ी खुश होंगे वो लोग आज। तो अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात अंबुजा
एक्सपोर्ट्स की, तो ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा स्टॉक, बार बार यहीं पे सपोर्ट लेके चल रहा स्टॉक, तो ये एक अच्छी सपोर्ट लाइन बन गई यहाँ पे। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 256, 258, 256 पे ट्रेड कर रहा है, तो पोस्ट मार्केट इसका 256 का रेट आया निकल के 256.40। ये स्टॉक अपने को इस रेंज से बाहर निकलेगा, देखो ये रेंज है 265, 265 से बाहर निकलता है तो अपने को ये 275 इसको हमको करना चाहिए ब्लू कलर में, एंड 285 एंड 299, 300 इन टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म व्यू से हम बात कर रहे हैं, केवल शॉर्ट टर्म व्यू से आप इस इन स्टॉक में निवेश कर सकते हो। गुजरात अंबुजा में 1 से 2 वीक के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है तो स्टॉप लॉस आप 243 का स्टॉप लॉस जरूर रखना दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट होगा जमुना ऑटो। जमुना ऑटो आप देख सकते हो कि डेली कैंडल 6 है, डेली कैंडल में इस रेंज का देखो एक अच्छा ब्रेकआउट है, आज ये कैंडल बड़ी प्रोमिसिंग है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 116 पे, तो 115, 116 के अराउंड, 115, 116 रुपये के अराउंड मिले तो आपको इसे ग्रैब करना चाहिए, और 110 रुपये का स्टॉप लॉस हमें इसमें रखेंगे। उसके बाद ये स्टॉक अपने को होल्ड करना है फॉर 120, 125 और 130 इन टारगेट के लिए आप जमुना ऑटो को होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। स्टॉक का नाम देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे वाटरमार्क में ऐड भी कर देता हूँ आपके लिए, ये जमुना ऑटो है, आई गेस आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, जमुना ऑटो स्टॉक का नाम है, और 110 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 115 पे भी ट्रेड बाइंग कर सकते हो, 120, 125, 130 ये स्टॉक भी आपको 1 से 2 वीक 3 वीक में 10% तक के रिटर्न दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक, एक स्टॉक जो थोड़े से लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, बट उससे पहले क्या देखना जरूरी है, उससे पहले ये रेंज देखनी जरूरी है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है आपका 285 पे, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 285 पे, हमको चाहिए ये इसका रेंज, इस रेंज का ब्रेकआउट। 300 की रेंज से बाहर निकलेगा तो स्टॉक बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ से कहना राउंडिंग बॉटम पैटर्न प्रोसेस हो रहा है, इन मेकिंग है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, कुछ 55-60% तक के रास्ता सफर तय हो चुका है, थोड़ा सा सफर बचा है, तो इस थोड़े से सफर में आपको पैसा डबल करके भी मिल सकता है। तो पोजीशन आप देखिए 52-80% की रिटर्न, ये आपको ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो पोजीशन आप इसमें 285 पे पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस रखना है हमको 250 के लेवल का, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है इसमें, मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू है। जैसे ही 300 के ऊपर जाएगा तो पोजीशन स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम कोस्ट के पास लेके जा सकते हैं, या थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं, और हमारे टारगेट्स रहेंगे मीडियम टर्म के लिए 400, इसको हम ब्लू करना चाहेंगे, 470, 550 इन टारगेट के लिए आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा समय देना होगा इसके अंदर, थोड़ा सा समय आपको 6 मंथ टू 8 मंथ 10 मंथ के लिए होल्ड करना है, और अच्छे रिटर्न्स ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न आपको 1 साल के अंदर बना के देख सकता है। अगर 1 साल के अंदर 50-100% के रिटर्न मिलते हैं अपने को तो इज इट बैड रिटर्न, मुझे तो अच्छा लगेगा दोस्तों अगर मुझे 50% रिटर्न भी स्टॉक देता है तो। क्योंकि बहुत से देखो हमारे देश में क्या है, मोस्टली लोग क्या करते हैं हमारे देश में, आपको एक फाइनेंशियल टर्म की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की कुछ स्टॉक से हटकर बता रहा हूँ दोस्तों, लोग हमारे देश में ना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, बैंक के अंदर एफडी हो रही है। वो बैंक की एफडी उनको क्या दे रहा है, बैंक एफडी दे रहा है 6% 7% के रिटर्न। तो 6% 7% जो इन्फ्लेशन है हमारे देश में, इन्फ्लेशन महंगाई दर है वो 7% है, तो उसको बीट नहीं कर पा रहा है, तो पैसा कभी ग्रो नहीं होगा। ये हमको समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। इससे अच्छा तो आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स में, स्टेबल स्टॉक्स के अंदर पैसा डालो जो आपको अगर ईयरली भी 10% 12% 15% देते तो भी उससे विन विन सिचुएशन में चले जाओगे आप बैंक की एफडी से। बट लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, और ये स्टॉक आपको 50-100% के रिटर्न दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपका है, प्लानिंग आपकी रहेगी, पैसा आपका है, और स्टॉप लॉस 250 का जरूर रखना दोस्तों।
इस वाले वीडियो में अभी तक इतना ही था, हम और स्टॉक ढूंढ के लेके आएंगे, तो आपके साथ दूसरा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अगर अच्छे स्टॉक मिले हमको 2-3-4, तो दूसरी वीडियो का भी आप इंतजार कर सकते हो। ये वाला वीडियो आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम। ये अपना एक छोटी सी अपडेट है, बहुत से लोग मुझे देखो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमने वो चैनल ज्वाइन, आपका चैनल ज्वाइन कर लिया, आपने 10,000 रुपये फीस ले ली। सर 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मेरी कोई फीस नहीं है, हमारी बहुत ही माइन्यूट सी फीस है, 500-600 रुपये हमारी छोटी सी फीस है। अभी तक पिछले 2 साल से 500 रुपये था, अभी सितंबर महीने से इसको 600 करने वाले हैं। ये टेलीग्राम चैनल है सर अपना, मनी मंत्रा विद दीपक रोहिड़ा, ये टेलीग्राम चैनल है। 3650 दोस्त हमारे इस ग्रुप में, और यही हमारा टेलीग्राम पे फ्री चैनल है। इसके अलावा 2 छोटे छोटे पेड चैनल है, उनका लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा। तो अब इन्हीं लिंक्स के साथ ज्वाइन करें दोस्तों, और अपडेटेड रहें, फेक लोगों से बचें, अननेसेसरी 10,000-15,000 पैसा किसी को पे ना करें, क्योंकि वो करता क्या है, पैसा लेता है आपसे और ब्लॉक कर देता है लोगों को, तो उसके बाद क्या करेंगे आपको। आपने किसी को पैसा दिया 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, और उसने आपको विद इन मिनट ब्लॉक कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, बाबा जी का टुल्लू। तो ऐसे लोगों से बचे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अभी 4 बजे हैं, शाम के 8 बजे, 9 बजे लच्छी की एक आपसे चीज़ पूछ रही थी, क्या हम वीक के अंदर 1 या 2 बार YouTube लाइव स्टॉक डिस्कशन कर सकते हैं क्या, आपके स्टॉक्स हमारा व्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिस्टम पे। तो ये चीज़ मुझे पूछनी थी, प्लीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसका रिप्लाई चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें यहाँ पे। तो प्लीज़ दोस्तों रिप्लाई करना, अगर आपने रिप्लाई किया तो हम मंडे या ट्यूसडे को शाम को 8 बजे एक YouTube लाइव सेशन ज़रूर रखेंगे दोस्तों। वीक में 2 दिन रखने की प्लानिंग है, वो 2 दिन भी अगर आप मुझे गाइड करोगे तो आपके अकॉर्डिंग ही रख लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, हम शाम को फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अच्छे लगे तो शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। जय हिंद।